अदनान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सच न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है सैयदा सदफ अली। ये एक एक्ट्रेस है और शॉर्ट टाइम के लिए जो है ये एक न्यूज़ एंकर भी थी। तो बहरहाल सैयदा सदफ अली ये कोई ऐसी वैसी या वैसी ऐसी लड़की नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक लड़की है। मेरा मतलब है कि इनकी एक्टिंग में वो जादू है कि ये अच्छे अच्छों को रुलाना जानते हैं। तो बहरहाल इन्होंने मुझे भी रुलाया था क्योंकि इनकी एक फिल्म मैंने देखी थी, लॉकडाउन सही या गलत। लॉकडाउन का समय था, किस तरह से जो है भुखमरी चल रही थी, किस तरह से गरीब गुरबा लोग जो है भूख से तड़प रहे थे, ये मंजर मैंने अपने आंखों से भी प्रैक्टिकली देखा है गरीब आवाम के बीच में रहकर। तो बहरहाल यही वजह है जो इनकी वीडियो देखकर मेरे आंख में पानी आ गए थे, यानी मैं फ्लैशबैक में गया था। आपको एक वाक़ा सुनाता चलूँ सदफ अली, आप भी जरा गौर से सुनिए। हमारे मोहल्ले का ही वाक़ा है कि हमारा घर भी जो एक सलम बस्ती में ही था, तो अड़ोस पड़ोस में तकरीबन गरीब लोग रहते थे। तो हमारे घर वाले घर में नहीं थे और हमारे वालिद वालदा भी हमारे बड़े भाई के पास गए थे। उस दरमियाँ एक हमारे पड़ोसी जो औरतें थे वो आते जाते मुझे देख रहे थे। अच्छा। तो बहरहाल भाई पड़ोसी है, देख रहे होंगे, मैंने भी उनको नज़रअंदाज करते हुए चला गया, मतलब उतना तवज्जो नहीं दिया कि क्या वजह है। तो बहरहाल एक तीन चार दिन के बाद हमारे घर वाले घर में आए, फिर जो औरतें हैं पड़ोस में तो औरतों से बात करती हैं, तो औरत आके जो है हमारे मिसेस को सुनाए कि घर में जो है दो दिन से खाना नहीं है, हमारा बच्चा भूख से तड़प रहा था, चीखा मार मार के सोया। तो बहरहाल हमारे घर वालों ने आकर रोकर मुझे बात सुनाई, तो बस इमीडिएट मैंने उठा अपने पर्स में जितने भी पैसे थे, मैंने हमारी बीवी को दिया, कहा कि जाओ पैसे उनको दे देकर आओ। तो बहरहाल वो पैसे दे देने के बाद फिर मेरे दिल में ख्याल आया, ये तो खाली हमारे मोहल्ले का सवाल नहीं, बहरहाल ऐसे कितने मोहल्ले हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो भूखमरी से शायद बेचैन हो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। तो बहरहाल इसी के मद्देनज़र हमने एक खैर का काम किया था पिछले लॉकडाउन में, जितनी भी हमारे पास सेविंग थी वो सब हमने खर्च कर गरीब आवाम के लिए, मतलब हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला ने ये काम मुझ जैसे गुनहगार से लिया। तो बहरहाल वही वजह है जो आपकी वीडियो देखकर मेरे आंख में पानी आ गए थे। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। तो सैयदा सदफ अली जी, आपको एक्टिंग करने का शौक कब से शुरू हुआ? जी, मेरा तो कुछ ऐसा इरादा नहीं था एक्टिंग में, ना तो इंटरेस्ट था। मम्मा, मैं जब 10th खत्म हुआ था तो व्हाट्सएप चैनल था जी टीवी पर आता था, तो मैं वहाँ पर एंकर थी, प्ले माय म्यूजिक बोल के आता था शो, तो वहाँ पे एज ए एंकर शुरू किया था मैंने। तो वहाँ से मम्मी बोले, फिर ऑडिशन चल रहा था, एक मूवी आई थी 6 महीने पहले जबरदस्त हंगामा बोल के, अभी वो 6 महीने हुआ के 1 बिलियन है, तो उसमें मैं ऑडिशन के लिए गई थी, तो वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो फिर यहाँ से मूवी की दुनिया में मैं कदम रखी। और वहाँ पे मेरे को ज्यादा सपोर्ट करे अकबर बिन तबर साहब। अकबर बिन तबर जी बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे है, मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ, बहुत अच्छे एक्टर है, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो शुरुआत हुई, आपको सपोर्ट किया अकबर बिन तबर ने जी, और मेरी मम्मी और तबर सर उस फिल्म के लिए मेरे को बहुत सपोर्ट करे, वहाँ से मेरी स्टार्टिंग। कौन सी फिल्म थी पहली आपकी? वो मेरी पहली फिल्म जबरदस्त हंगामा थी। जबरदस्त हंगामा जो यूट्यूब पे अभी 1 मिलियन गई 6 महीने पहले। माशाल्लाह जी। फिर उसके बाद कुल मिलाकर कितने फिल्में आपने अभी की? मैं उसके बाद में मैंने तू मेरे लिए बोल के एक मूवी आई थी, उसमें हीरो की बहन का कैरेक्टर किया था, शहबाज बोल के एक हीरो है, उनकी बहन का कैरेक्टर किया था नेहा। उसके बाद में इनायत सर बोल के, इनायत अली, उन्होंने भी मूवीज बनाते हैं, उनकी मूवीज में भी काम करती हूँ, जैसे कि डस्टबिन मूवी आने वाली है और बहुत सारी मूवीज है ऐसे जो रुके हुए, उनके साथ मैं बहुत सारी मूवीज कर रही हूँ जो इनायत सर है। फिर वहाँ से होते होते शॉर्ट फिल्म की दुनिया में आई मैं। शॉर्ट फिल्म में मैं हामिद कमाल साहब उनके साथ में मैंने स्टार्ट किया है अभी, हैदराबादी मत वाले यूट्यूब चैनल उस पर किया था मैंने, वहाँ हामिद कमाल साहब जी, हामिद कमाल साहब के साथ। आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है जो इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ आपको जो जी, मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने हामिद कमाल साहब के साथ काम किया, मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप। बहुत 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 बड़े आर्टिस्ट है हैदराबाद में जी। और उसके बाद में फिर मैं तफीम मिले थे मुझे वहाँ, जिसको तफू बोलते हैं अभी मेरे साथ वीडियो में, जो जैन का कैरेक्टर कर रहे हैं, उनके साथ में हम लोग कॉमेडी के मतवाले एक न्यू चैनल बनाए हैं, उस पे हम लोग हर हफ्ता एक वीडियो डालते हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया है घर वाली बाहर वाली। अच्छा जी, ऐसा कंटेंट बना रहे, हफ्ता हफ्ता एक एक वीडियो आता है कॉमेडी के मतवाले चैनल।
तो आपका खुद का अपना शॉर्ट फिल्म का एक चैनल है या आप किसी के साथ काम करते हैं? नहीं, अभी जो तफीम, जो सैयद तफीम चैनल बनाए हैं कॉमेडी के मत वाले, तो उसमें हम लोग दोनों वीडियोस बनाते हैं, बोले कि पार्टनरशिप में बना रहे हैं हम लोग, यानी जो भी अर्निंग आएगी 50-50। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपके फिल्मों में क्या आप एक मैसेज पहुंचाने के लिए काम करते हैं या फिर ये आपका शौक है? नहीं, हम तो मैसेज पहुंचाने के लिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आजकल के जो हालात है उस पर वीडियोस बनाते हैं हम लोग ज्यादा, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं कि कभी कोई हंस तो ले, हमारी वजह से हंसते हैं तो बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह, तो खैर माशाल्लाह आप सैयदा घराने से हैं, सैयद घराने से, तो कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम घराने से हूँ, इस तरह मैं ओपन पर्दे पे आऊंगी तो लोग कॉमेंट्स में कुछ गलत बात करेंगे या फिर आपके अफराद खानदान के लोग? जी, ऐसा तो फील हुआ, लेकिन अगर मैं उतना लोगों का सोचूंगी तो फिर मैं काम नहीं कर सकूंगी। और मैं सब ख्याल में रख के करती हूँ कि मैं कभी मैं कुछ गलत की नहीं हूँ, ना तो पढ़ने पे ना तो बाहर, मैं बस जो भी करती हूँ प्रैक्टिकली अच्छा करती हूँ, और लोग ऐसा बोलेंगे ऐसा मैं कभी सोचती नहीं हूँ। अच्छा जी, मैं कभी कभी जो है कमेंट्स आ जाते हैं। आपने तालीम हासिल कहाँ तक की? जी, मेरा 10th हो गया था, इंटर, अभी इंटर हो गया था, इंटर के बाद से पढ़ाई छोड़ दिया। हाँ, दीनी तालीम कहाँ तक हासिल किया? कलाम पाक आपने पढ़ा है? जी हाँ, बिल्कुल मुकम्मल किया है। जी हाँ, दौर रह गया था क्योंकि हमारे बाजी की, अरबी बाजी जो थे, उनकी शादी हो गई थी। अच्छा, माशाल्लाह, तो मम्मी घर पे पढ़ा लिया। तो सैयदा सदफ अली के वालदा भी जो है एक्ट्रेस हैं। जी, तकरीबन फिल्मों में उन्होंने काम किया, यानी शॉर्ट फिल्म्स में। कौन से कौन से फिल्म में काम किया आपके वालदा ने? मम्मी ने तो तेलुगु मूवीज में भी उन्होंने किया था, मतलब कैरेक्टर्स करते हैं मम्मी भी, अभी भी उन्होंने जाते तेलुगु मूवीज में। अच्छा। अभी हम लोग जो बना रहे हैं ना कॉमेडी के मत वाले वीडियो, जो मेरी सास का कैरेक्टर कर रहे हैं मदर इन लॉ, वो मेरी मम्मी है। अच्छा, उनका नाम सैयदा सीमा निखत। तो आपकी मम्मी को देखने के लिए कौन सी फिल्म देखना है वो तो बताइए नाज़रीन को। हमारे चैनल पे देखिए, अभी तो फिलहाल उनको, जो कि हमारा कॉमेडी के मत वाले चैनल है, उस पे देखिए हमारी मम्मी को भी और हमको भी। अच्छा, तो माशाल्लाह, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? हमारे वालिद साहब रजिस्टर ऑफिसर है अतापुर में, अभी नहीं है उन्होंने, बाहर आउट ऑफ कोसी कंट्री में, अभी उन्होंने सऊदी अरब। सऊदी अरब जी। तो माशाल्लाह, आपके नानी नाना दादा दादी? दादा दादी नहीं है हमारे, इंतकाल हो गया है, अल्लाह हमको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे थे। हमारे नाना नानी है। अच्छा जी, नानी हमारे साथ में ही रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी। इसके अलावा और क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? और मैं यही मैसेज देना चाहूंगी हमारे नाजरीन को, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ, आपको थैंक यू सो मच बोलती हूँ, आप मुझे यहाँ बुलाए, और हम लोग आपके फैन भी, आपकी वीडियोस देखते हैं, आपको चैनल देखते रहते हैं। तो मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूंगी कि अभी जो हालात चल रहे थे उसी पे हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सर के वीडियोस देखिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारे वीडियोस देखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए कॉमेडी के मत वाले, और सर का चैनल भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग भी बहुत फैन है सर के। जी जी जी। और इसके अलावा आपके फ्यूचर प्लान क्या है, आप आगे चलकर क्या करना चाहेंगी? अभी फ्यूचर प्लान तो ये है, यही मूवीज करना है मुझे इंशाल्लाह कंटिन्यू, और फ्यूचर का तो वही। तो जैसा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 2000 अगस्त 26 अगस्त 26 2000, यानी आप 21 साल की है अभी आपकी उम्र, तो माशाल्लाह बहुत लंबी उम्र है आपके सामने, यानी आप अपना कैरियर बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई ऐसी जल्दबाजी की बात भी नहीं है, लेकिन कम समय में ही बहुत सारे इनके फैन फॉलोअर्स हो गए और काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती है। मैं खुद जो है इनकी एक्टिंग को देखकर मुतमईन हो गया था, तभी मैंने इनको यहाँ पर आने की दावा दी कि बहरहाल जो है एक लड़की है, अच्छा काम कर रही है, एक अच्छा मैसेज पहुँचा रही है, तो बहरहाल इसी तरह के वीडियो आप करते रहिए, और आवाम के लिए जो है एक खुसूसी मैसेज के तौर पर आप पहुँचाते रहिए। आवाम को मैं ये भी बोलना चाहूँगी, हमारा एक और वीडियो आया था जिसके डायरेक्टर इनायत सर थे, वो देखिए, लॉकडाउन अल्लाह सबकी, ऊपर वाला सबकी सुनता है, वो भी वीडियो बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए, कैसे भी देखिए, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत अच्छा है। इनायत सर हमेशा से मेरे को सपोर्ट करे, बहुत अच्छे हैं हमारे डायरेक्टर सर हैं, हर उनकी जो भी मूवी होती है उसमें लेते हैं, या शॉर्ट मूवी होती है मुझे हमेशा लेते हैं काम करते साथ। तो बहरहाल इनका अपना चैनल है कॉमेडी मतवाले, कॉमेडी के मतवाले, कॉमेडी के मतवाले, मेरा और तफीम का चैनल, इनका और तफीम भाई, यानी अपने पार्टनर को नहीं भूल रही है, बहरहाल जो है नहीं, पार्टनर भी बहुत अच्छे हैं। नहीं, पार्टनर को नहीं भूलूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे, हम लोग जब भी साथ काम करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, कॉपरेट करके काम करते हैं, टीम वर्क के बिना तो कुछ काम होता नहीं। अभी हम लोग जो घर वाली बाहर वाली बना रहे हैं उसमें अहमद कुरैशी सर हैं,
और समीरा खान जो फिजा टीवी पे एंकर है। अच्छा जी, उनो और हम लोग तफीम, हम लोग सब मिलके कर रहे हैं वर्क। हमारी मम्मी भी है वीडियो में, आप लोग तो जानते हैं। तो अपने एक चैनल में काम किया था, व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल पर मैं एंकर थी, प्ले माय म्यूजिक जो आता था। प्ले माय म्यूजिक यानी उसमें आप न्यूज नहीं बोलती थी। अच्छा। मैं सॉन्ग्स प्ले करती थी, जैसे कि लाइव शो होता था तो कॉल अटेंड करती थी। वहाँ पे भी मैं वन एंड हाफ ईयर करी कुछ। अच्छा। वहाँ पे भी आबिद रशीद सर का बहुत सपोर्ट था। तो आप जो एक अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी है फिलहाल, आपके काफी हिट फिल्में जा रहे हैं, शॉर्ट फिल्म जो भी आप बना रही हैं, तकरीबन जो व्यूज अच्छे हो रहे हैं, मैंने भी देखा है। आप लोगों का थैंक यू जो इतना देख रहे हैं, उनको इतना फॉलो कर रहे हैं। हमारे सभी नाजरीन को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और एक हमारी मूवी आई थी, शॉर्ट मूवी, वो भी बहुत अच्छी गई थी, ऑनलाइन क्लास मिस यू। उसके डायरेक्टर फेरोज खान थे और प्रोड्यूसर इम्तियाज सर कुछ थे। इसके अलावा आपके कुछ बड़े ख्वाब भी है, जैसा कि बॉलीवुड तक जाने के या टॉलीवुड? जी हाँ, बॉलीवुड तक मैंने सोच रखा है, लेकिन अल्लाह का साथ रहा तो ही हो सकता है ये काम, नहीं तो नहीं। नहीं, वैसे जो है जमाना अभी जो है प्रेजेंट जो है छोटे पर्दे का ही है। जी हाँ, वो अब आप देख तो रहे हैं बॉलीवुड वाले खुद जो है वेब सीरीज बना रहे हैं। जी, तो आने वाले वक्त में तकरीबन वेब सीरीज ही बनेंगे। जी, फिल्म शायद बनना बंद हो जाएंगे ऐसा लगता है। बंद तो नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर दौर जो है वेब सीरीज का ही आने वाला है, क्योंकि वेब सीरीज काफी हिट जा रहे हैं। तो आपने कभी सोचा कि आप एक वेब सीरीज भी बनाएंगे या वेब सीरीज में काम करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ। मैंने रेडियो चार मीनार पे वेब सीरीज की है। रेडियो चार मीनार पे बीवी नंबर वन बोल के आया था, उसमें 12 एपिसोड्स किया है मैंने एज ए हीरोइन। अच्छा माशाल्लाह। जी, तो खैर बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा सदफ अली। इंशाल्लाह दोबारा जो है इनके पार्टनर तफीम को भी हम बुलाएंगे, उनसे भी इंटरव्यू लेंगे। और इनके वालदा जो है, वालदा का नाम क्या बताया? सैयदा आसिमा निखत। सैयदा आसिमा निखत साहिबा को भी हम बुलाएंगे, उनका भी इंटरव्यू लेते रहेंगे। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन इसमें तशरीफ लाने के लिए। खुदा हाफिज। नान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है, और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।